टुडे वी डिस्कस अबाउट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ ग्रुप ऑफ मोर देन 30 इनहेरिटेटेड डिजीजेज। इसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है, जो एक डिजीज होती है जिसके अंदर के मसल्स की वीकनेस होने लगती है। इट कॉजेज वीकनिंग एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ द मसल फाइबर्स। द मसल बिकम्स वीक एंड ससेप्टेबल टू डैमेज। मसल धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। इट अफेक्ट्स ऑल टाइप ऑफ मसल्स, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। सारी तरह की मसल्स हैं उसमें इफेक्ट होने लगती है। जो मसल्स, स्केलेटल मसल्स हो, कार्डियक मसल्स हो, स्मूथ मसल्स हो, ये सारी मसल्स इसमें इफेक्ट हो सकती हैं। सम मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज आर सीन इन इन्फेंट्स वाइल अदर अपीयर्स इन द मिडिल एज। कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है वो बच्चों के अंदर ही शुरू हो जाती है और कुछ का असर मिडिल एज के अंदर शुरू होता है। ये अलग अलग तरह की इसकी टाइप्स होती हैं। दिस प्रोग्रेसिव डिजीज इज मोर कॉमन इन बॉयज। लड़कों के अंदर ज़्यादा होती है, फीमेल्स के अंदर ये नहीं होती है। मतलब फीमेल्स कैरियर होती है इसके अंदर। इसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स फीमेल्स में नहीं आते हैं। देन टाइप्स ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ड्यूशन्स एंड बेकर्स टाइप। फर्स्ट टाइप है दिस इज, ये जो ड्यूशन्स और बेकर्स टाइप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है बॉडी को और मॉर्टेलिटी इसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। सेकेंड है एम्ब्री डिफ्यूसस टाइप। थर्ड है लिम्ब ग्रिडल टाइप, जिसके अंदर लिम्ब्स और ग्रिडल्स अफेक्टेड होते हैं। फेशियो स्क्रैपर ह्यूमरल टाइप, जिसके अंदर फेशिया एंड स्कैपुला और ह्यूमरल ये इन्वॉल्व रहते हैं। और ऑक्यूलो फेरेंजियल टाइप, जिसके अंदर मुंह की मसल्स और फेरेंजियल जो हैं आपके वो अफेक्ट होते हैं। तो ये सारी मस्कुलर टाइप्स हैं, ये डिफरेंट टाइप की मसल डिस्ट्रॉफीज होती हैं जो प्रेजेंट होती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट ड्यूशन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ड्यूशन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज द कॉमन फॉर्म ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इंसिडेंस इसमें होती है 1-3,000 to 4,000 पीपल में से एक को हो सकती है। मेल्स आर ओनली अफेक्टेड वाइल द फीमेल्स आर कैरियर। मैंने पहले भी बताया कि मेल्स अफेक्टेड होते हैं, फीमेल्स इसमें कैरियर हो सकती होती हैं। इन मेजोरिटी ऑफ द फीमेल कैरियर देयर आर नो अपरेंट साइंस एंड सिम्टम्स। कोई उनमें अपरेंट साइंस और सिम्टम्स नहीं होते हैं। ये देखो नॉर्मल हेल्दी मस्कुलेचर इस ढंग का होता है बॉडी का, एकदम फ्रिम बॉडी है। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में आपका इन सारी मसल्स हैं वो कहीं कहीं से एट्रोफाइड हो गई है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी पे जाते हैं कि इसमें क्या होता है जिसकी वजह से मसल्स वीक पड़ जाती हैं। एमडी इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच देयर इज पॉइंट ऑफ म्यूटेशन एंड डिलीशन अफेक्टिंग द टर्मिनल डोमेन्स आर मोर ऑफन देन एसोसिएट विद द सीवियर क्लिनिकल फिनोटाइप ऑफ टिश्यू। डिस्ट्रॉफी इन जीनोम इज डिस्टर्ब, थस डिस्टर्बिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मसल और देयर कैन बी एबनॉर्मलिटीज इन द डिस्ट्रॉफिन रिलेटेड ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। जो मसल का जो ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये क्या होता है कि इसका जो डिस्ट्रॉफिन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वीक पड़ जाती है मसल्स। जो चेन है ना, ये जो ये हैं, ये सब ये वीक होने लगते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन जो होता है वो वीक होने लग जाता है और इसकी वजह से जो ये इसका जो वीकनेस होने की वजह से मसल्स के फाइबर टूटने लगते हैं और वीकनेस आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, कि इसमें फिर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे होने लगता है मसल्स के वीक होने से। द डिजीज डज नॉट शो एनी इंडिकेशन ड्यूरिंग अर्ली इन्फेंसी। छोटे बच्चे के अंदर डिजीज़ की कोई आपको इंडिकेशंस नहीं लगेगा कि ये बच्चा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इसको होगी। इन सम वॉकिंग मे नॉट बी अटेंड इवन एट 18 मंथ्स। कई बार क्या होता है, कई बच्चे 18 मंथ्स तक भी नहीं चलते हैं, तो 18 मंथ तक भी पता नहीं चलता है कि इसकी में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ऑनसेट यूजुअली नोटिस अबाउट 3 ईयर्स। 3 साल के करीब जब बच्चा हो जाता है,
चलने लायक हो जाता है बच्चा, तो ये नोटिस की जाती है कि इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। पेरेंट्स नोटिस क्लम्सी वॉकिंग एंड फ्रीक्वेंट फॉल। जब जो उसके पेरेंट्स होते हैं, जो घर पे लोग होते हैं, वो देखते हैं कि बच्चा क्लम्सी वॉकिंग कर रहा है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, एबनॉर्मल चल रहा है, और जल्दी जल्दी वो गिरने लग जाता है चलते हुए। तो ये जब ये नोटिस होती है कि जब बच्चा चलता है गिरने लगता है, क्लम्सी वॉकिंग होती है, तो ये होता है। TMD इज़ प्रोग्रेसिव कंडीशन, और ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है, बहुत ही प्रोग्रेसिव होती है और बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। इसके जो साइंस और सिम्टम्स हैं वो बहुत जल्दी डेवलप होते हैं। चाइल्ड डेवलप्स अ लॉर्डोटिक पोस्चर ड्यू टू वीकनेस ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स। देखो ये लॉर्डोटिक पोस्चर, ये जो पोस्चर है ना, ये लॉर्डोटिक पोस्चर, ये क्या होता है, एब्डोमिनल मसल्स जब वीक होने लगती है तो ये यूँ इस तरह से बैली आगे निकल जाती है और लॉर्डोटिक पोस्चर डेवलप होने लगता है। द मस्कुलर वीकनेस इज टिपिकली ऑफ LMN टाइप। LMN मतलब लोअर मोटर न्यूरोन। दो तरह के होते हैं, अपर मोटर न्यूरोन एंड लोअर मोटर न्यूरोन। लोअर मोटर न्यूरोन के अंदर जो मसल्स होती है फ्लैसिड हो जाती है, वीक हो जाती है, फ्लॉपी टाइप, बिल्कुल फ्लैपी हो जाती है, बिल्कुल वीकनेस हो जाती है। कॉमन मसल्स होते हैं प्लांटर फ्लेक्सर्स। ये प्लांटर फ्लेक्सर्स, इवर्टर्स, क्वाडिसेप्स, ठीक है, क्वाडिसेप्स हो गया, ग्लूटियस मसल्स हो गई, ये सारी, बाइसेप्स, यहाँ पे ट्राइसेप्स, डेल्टॉइड, ये जो यहाँ पे डेल्टॉइड, ये अपना कर्व होता है डेल्टॉइड का, वो पेक्टोरलस में ये मसल्स, एंड लैटिसमस डोर्साई, ये साइड की जो ओवरहेड एबडक्शन करती है अपना शोल्डर का, ये सारी मसल्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, एट्रोफाइड हो जाती है ये सब मसल्स। DMD विल ऑल्सो शो हाइपरट्रॉफी विच इज एक्चुअली सूडो हाइपरट्रॉफी। सूडो हाइपरट्रॉफी मीन्स कि आपको यूँ लगेगा कि मसल्स वैली है, वो मतलब हाइपरट्रॉफी हो रही है, मोटी हो रही है, लेकिन वो असल में प्रोटीन नहीं होता वो मसल्स का, दैट इज फैट, फैट लेयर की वजह से वो दिखती है मोटी मसल्स, एंड इट इज कॉज ड्यू टू एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ द फैटी टिश्यू इन द मसल मास। मसल मास के अंदर फैटी टिश्यू डिपॉजिट हो जाता है, इसकी वजह से ये मसल्स हाइपरट्रोफाइड दिखती है, ठीक है। कॉज ड्यू टू एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ द फैटी टिश्यू इन द मसल मास। मसल मास में फैटी टिश्यू डिपोजिशन की वजह से ये हाइपरट्रोफाइड आपको दिखती है, जो सूडो होती है, मतलब वो दिखती है सिर्फ। देखो ये शोल्डर एंड आर्म्स आर हेल्ड बैकवर्डली व्हेन वॉकिंग। जब पेशेंट चलता है, जब बच्चा चलता है, तो वो ऐसे पीछे कर लेता है अपने शोल्डर और आर्म्स, ये उस तरह से चलेगा। स्वे वॉकिंग होती है उसकी, वीक बटक मसल्स हो जाती है, हिप स्ट्रेटनेस हो जाते हैं, सारा जो अपना यह कर्व होता है ना हिप का, ग्लूटियस मसल्स का, वो वीक होकर के स्ट्रेटनिंग हो जाती है। नी में बैंड बैक टू टेक वेट, और नी है ना जो बैंड हो जाते हैं इस तरह से, क्वाड्रिसेप्स उसकी वीक हो जाती है तो हाइपर एक्सटेंशन होने लगता है, और बैक टेक, थिक लोअर लेग मसल्स, द मसल्स इज मोस्टली फैट एंड नॉट स्ट्रॉन्ग। जो लोअर मसल्स होती है फैट दिखती है, ये सिर्फ फैटी दिखती है, वीक रहती है, लेकिन इसके अंदर कोई स्ट्रांग नहीं होती है, ये पावर नहीं होती है मसल्स में। टाइट हील कॉर्ड ड्यू टू प्लांटर फ्लेक्शन हो जाते हैं ना, इसमें डॉर्सिफ्लेक्सर्स की वीकनेस की वजह से कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाते हैं और हील जो है वो टाइट हो जाती है, TA टाइट हो जाता है, टेंडोएक्लियस टाइट हो जाता है, तो गेट कौन सी होती है आपकी, टो गेट हो जाती है, फुट ड्रॉप हो जाता है। बैली स्टिक्स आउट ड्यू टू वीक बैली मसल्स, चाइल्ड इज पुअर एट सिटअप्स, ठीक है, सिटअप्स नहीं कर पाता चाइल्ड, पुअर बैली मसल्स की वजह से वो थिन वीक टाइट्स स्पेशली फ्रंट पार्ट, थिन होता है, वीक होता है और टाइट होता है ये पूरा फ्रंट पार्ट, ठीक है ना। क्वाड्रिसेप्स देखो कितनी फ्लैट है इसकी। पुअर बैलेंस फॉल्स ऑफन, बैलेंस पूरा इसका नहीं होता है, लाइन ऑफ ग्रेविटी पूरा इसका बिगड़ जाता है और सारा, तो इसकी वजह से ये बच्चा है वो बार बार गिरने लगता है। वीक मसल्स इन फ्रंट ऑफ द लेग कॉजेस फुट ड्रॉप एंड
टिपटो कॉन्ट्रैक्चर्स, ये टिपटो कॉन्ट्रैक्चर्स देखो डेवलप हो गए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। नेक्स्ट है, अब एलेवन टाइप है, लोअर मोटर न्यूरोन है, इसलिए क्या सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट एंड लेटर इवन द डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस आर आल्सो लॉस्ट। अब सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस के कौन कौन से होते हैं, अपने बाइसेप्स हो गया, ट्राइसेप्स हो गया, एंकल हो गया, नी के हो गए, ये सारे रिफ्लेक्सेस इसमें लॉस्ट होते हैं और बाद में डीप रिफ्लेक्सेस, एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस वगैरह भी, डीप जो रिफ्लेक्सेस हैं वो भी धीरे धीरे लॉस्ट होने लगते हैं। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि और ज़्यादा मसल फ्लैसिड हो रही है, वीक हो रही है। हिप डिफॉर्मिटी ड्यू टू TFL कॉन्ट्रैक्चर्स, नी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, एंकल प्लांटर फ्लेक्शन, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, ये सारी डिफॉर्मिटीज डेवलप होने लगती है धीरे 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 धीरे। फंक्शनल इंडिपेंडेंस इज टोटली लॉस्ट। जो फंक्शनल इंडिपेंडेंस है मतलब फंक्शनल, जैसे बच्चा उठ के जाएगा, चलना फिरना, नहाना धोना, ये धीरे धीरे उसकी लास्ट में टोटली लॉस्ट हो जाती है। चाइल्ड विल बी टोटली डिपेंडेंट फॉर ड्रेसिंग, बाथिंग, टॉयलेटिंग एंड इवन रोलिंग इन द बेड एट द नाइट इन लेटर स्टेजेस। लेटर स्टेजेस के अंदर बच्चे का पूरा जो मतलब बेड पे ही डिपेंडेंट हो जाता है, बेड रिडन हो जाता है और वो इवन करवट तक भी नहीं ले सकता है, धीरे धीरे उसका सब कुछ लॉस्ट होता है। देयर इज रेस्पिरेटरी इनसफिशेंसी, और धीरे धीरे फिर बाद में क्या होता है, जब बेड पे आ जाता है तो रेस्पिरेटरी इनसफिशेंसी भी शुरू होती है। देयर इज रेस्पिरेटरी इनसफिशेंसी, IQ ऑफ दीज चिल्ड्रन आर 75-80%। कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स में धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं क्योंकि एक्टिविटीज़ बहुत कम होने लगती है और एब्डोमिनल मसल्स और अंदर इंटरनल ऑर्गन्स भी उसमें धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लगते हैं। इमोशनल डिस्टर्बेंस, ओबेसिटी, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब देखो ग्रोवर साइन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ग्रोवर साइंस में क्या होता है, बच्चा कैसे उठता है, उसकी क्वाड्रिसेप्स पूरी वीक हो जाती है, तो फर्स्ट वो इस तरह से पोस्चर बनाता है बेड सिटिंग के बाद, फिर धीरे धीरे नी को सपोर्ट करता है हाथ से, फिर नी को सपोर्ट करने के बाद में दोनों नी को वो हाथ लगता है, स्टेबलाइज करता है क्योंकि क्वाड्रिसेप्स बिल्कुल वीक होती है, तो दोनों नी हैंड से वो इस तरह से नी को सपोर्ट किया उसने हाथों से, और फिर धीरे धीरे हाथ को ऊपर ले जाता हुआ वो धीरे धीरे स्टैंड इस ढंग से खड़ा होता है वो धीरे धीरे। फिर इन्वेस्टिगेशंस, जीन टेस्टिंग, डिस्ट्रोफिन जीन इज वेरी लार्ज एंड मैनी प्रोटोकॉल्स ओनली स्क्रीन ए पार्ट ऑफ इट, मसल्स बायोप्सी एंड इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग इज नेसेसरी। ये मेडिकल पार्ट के अंदर आता है पूरा। फीमेल कैरियर्स आर डिटेस्ट बाई PCR, क्रिएटिन काइनेज इज एलिवेटेड, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम 80% शो कंडक्शन डिसऑर्डर इन डिटेक्ट रिपीटेड कार्डियोमायोपैथी, और इलेक्ट्रोमायोग्राफी इसके अंदर करेंगे तो मसल्स का आपका पूरा आ जाएगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, प्रोग्रेसिव वीकनेस एंड वेस्टिंग ऑफ द मसल्स, इसका ऑनसेट क्या, इसको शॉर्ट में मैं पूरा समझाती हूँ। ऑनसेट 1-5 years old, 1-5 साल के बच्चे के अंदर ये सिम्टम्स आपको जो मैंने भी सारे बताए वो सारे दिखने लग जाते हैं। जेनेटिक प्राइमरी मेल्स, हिस्ट्री ऑफ मोटर डेवलपमेंट डिले, उसके क्या होंगे सारे माइलस्टोन, सब उसके डिले होंगे बच्चे के, बैठना उठना, उसका बैठना, नेक होल्डिंग वगैरह सारी उसकी सारी चीज़ें डिले होंगी। क्लम्सीनेस, बच्चा क्लम्सी जैसा दिखेगा आपको, बिल्कुल क्लम्सीनेस मतलब कि वीक सारी मसल्स, एबनॉर्मलिटी उसमें आपको दिखेगी। फ्रीक्वेंट फॉल्स, डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, वेडलिंग गेट, वेडलिंग गेट क्यों हो जाती है, वेडलिंग गेट का मतलब है कि दोनों ये हील स्ट्राइक, फुट की जो हील स्ट्राइक है वो आपकी एब्सेंट हो जाएगी, वेडलिंग गेट हो जाएगी। एम्बुलेशन फ्रिक्वेंटली इम्पॉसिबल इन बाय एज 12,
और 12 साल तक जब बच्चा आएगा तब तक उसका एम्बुलेशन है वो इम्पॉसिबल हो जाता है, मतलब वो अपने आप उठना उसका बंद हो जाता है, बैठ के उठना उसका बंद हो जाता है, तो हमें एक्सटर्नल सपोर्ट उसको देने पड़ते हैं, क्रचेज हैं, वॉकर हैं, ये सारी चीज़ें। एज ब्रीदिंग मसल्स बिकम मोर अफेक्टेड, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस आर कॉमन, दीज यूजली लीड्स टू डेथ बाई द एज ऑफ 15 to 80 years. नाउ द एज आर, ये थोड़ी सी एज अब इंक्रीज हो गई, 22 to 25 years तक बच्चे इसमें रह सकते हैं। नर्सिंग कंसिड्रेशन है, फटीक, डाइट, मोबिलिटी, साइकोलॉजिकल अफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं धीरे धीरे, जिसको कि नर्सिंग केयर के साथ में कॉम्बैट करते हैं। ट्रीटमेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ राइजन फ्रॉम लेट टीन्स टू लेट 20s एंड अर्ली 30s विद द यूज ऑफ सर्जरी टू करेक्ट स्कोलियोसिस, एक्टिव कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रेक्चर्स एंड नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। इन सब से हम लोग उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा सकते हैं, सर्जरी करके स्कोलियोसिस वगैरह थोड़ा सा ठीक कर देंगे, एक्टिव कंट्रोल कॉन्ट्रैक्चर्स को थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करके इसको ठीक करेंगे, और नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेशंस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्लो प्रोग्रेशन एंड एल्डरली ऑनसेट ऑफ डिसएबिलिटी। तो प्री स्कूल एज में क्या होगा, यूजुअली एट दिस एज द चाइल्ड विल बी वेल एंड नॉट नीड मच ट्रीटमेंट व्हाट यू विल यूजुअली बी ऑफर्ड इज। तो स्कूल एज के अंदर बहुत ज़्यादा हमें इसको ट्रीटमेंट की इसकी, क्योंकि प्रोग्रेसिव डिजीज होती है, रोक नहीं सकते। एज 5 to 8 years, एट दिस एज सम सपोर्ट मे बी नीडेड, लेग्स और एंकल के लिए अपन दे सकते हैं, स्प्रिंट दे सकते हैं, नी एंकल फुट ऑर्थोसिस, और ये सारे के सारे जो ऑर्थोसिस हैं और आउटर सोर्स ये सपोर्ट्स हैं, ये हम 5 to 8 years के अंदर प्रिवेंशन ऑफ द कॉन्ट्रेक्चर मसल्स के लिए और सपोर्ट के लिए और बच्चे की एक्टिविटी के लिए हम प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।